राम है तो रावण भी जरूर होगा, और अगर बैटमैन है तो जोकर भी जरूर होगा। आधे लोग नहीं समझे, क्या बता? Why so serious? देखे हो कि नहीं? है? एडिटर यहाँ काटना याद से, ठीक है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस चैप्टर में, सबसे पहले जानने से पहले, आप ये बारकोड आपको यूट्यूब में हमारे चैनल में दिख रहा होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्कैन कर लेंगे। मैं जितने भी क्लास नोट्स के मेरे जो पीडीएफ होने वाले हैं वो हमारे एप्लीकेशन में ही डाउनलोड कर, आप डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं सारा मटेरियल, और जितनी भी चीज़ें रहेंगी रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह स्टोर सेक्शन में आपको वहाँ पर आराम से मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड करें अपने मोबाइल पर द फ्लैश एकेडमी मोबाइल ऐप, ठीक है? चलिए, अच्छा कुछ हमारे नाम से भी बहुत सारे ऐप बने हुए तो उन्हें आपको डाउनलोड नहीं करना है, द फ्लैश एकेडमी को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे मेरा सुंदर सा मुखड़ा आपकी आंखों के सामने आएगा, और उसके बाद अपना लॉगिन कर करके आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं ऐप को, ठीक है? खेलना नहीं है पबजी वगैरह, क्या लिखना है, द फ्लैश एकेडमी। आगे बढ़ते हैं, आप हमारे ऐप में जाएंगे तो आपको स्टोर सेक्शन में हमारे कुछ कोर्सेज मिलेंगे, और इन कोर्सेज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपका वीक रहेगा तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। द फ्लैश एकेडमी लॉन्च करने जा रहा है DLP डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, जिसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीटली मिलेगा। इसकी प्राइसिंग और इन्फॉर्मेशन के लिए ऑफिस के नंबर पर आपको संपर्क करना है, नीचे पट्टी में एक नंबर दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, आपको वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं हमारे स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आर्टिकल नंबर फर्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं IUPAC नेमिंग, फिर हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, आर्टिकल नंबर थर्ड पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में भी दो पार्ट होंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट वन और रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट टू, ठीक है? चलिए लिख लेंगे फटाफट। चलो तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग वाले आर्टिकल में पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ इन्फॉर्मेशन, थोड़ी बहुत जनरल सी बातें हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इधर उधर नहीं देखना, इधर ध्यान देना। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते किसको है, ज़रा इस बात को समझते हैं। ऑर्गेनिक वर्ड आया है ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म कौन बेटा? जो जीव जंतु होते हैं, जानवर, ठीक है, इंसान, बैल, गधे, खच्चर, इन लोग सबको क्या बोला जाता है ना, ऑर्गेनिक स्पीशीज़ है, बायोलॉजिकल स्पीशीज़ है, क्या नहीं? हाँ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सवाल ये पैदा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले एक बाबा हुआ करते थे, ओल्ड कंसेप्ट उन्होंने दिया था, मैं बाबा ही बोलूँगा, साइंटिस्ट नहीं बोलूँगा, नाम उनका था बर्जीलियस, आलू बुखारा टाइप से दिखते थे देखो, ठीक है? मैं बाबा इनको क्यों बोल रहा हूँ, ये चमत्कारी वाला कंसेप्ट दिए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है इनको सिर्फ और सिर्फ भगवान ही बना सकते हैं, या भगवान के जो बच्चे हैं वही बना सकते हैं, जो जिंदा होते हैं, जो जीवित होते हैं, उनके अंदर कोई ऐसा फोर्स होता है भगवान का दिया हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइटल फोर्स, और वाइटल फोर्स की वजह से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। ये किसने बोला था? बर्जीलियस भाई साहब ने बोला था, ऑर्गेनिक टर्म गिवन बाई बर्जीलियस, और ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली डिराइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रपोज्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था, बड़ा बकवास सा बात था, पुराने ज़माने में लोग कुछ भी बोल देते थे, जैसे मेल और फीमेल जब फ्यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उनके मेटिंग के समय में मेल बॉडी का जो पसीना होता है उसमें उसका छोटा सा कॉपी होता है, ठीक है, और फीमेल बॉडी का छोटा सा कॉपी होता है, दोनों मिलते हैं तभी इंसान के बच्चे इंसान पैदा होते हैं, ऐसा एक वाइटल फोर्स थ्योरी आपने बायोलॉजी में सुना होगा, पढ़ा होगा। वो तो बाद में मेंडल भाई साहब ने इतना एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च किया, तब जाके क्रोमोसोम तक पहुँचे, और उसके बाद ये अब बात क्लियर है कि मेल गैमिट होते हैं, फीमेल गैमिट होते हैं, दोनों फ्यूज़ होते हैं, और मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है, सारा चीज़ होता है, तब जा कर के है ना मोरूला ब्लास्टूला वगैरह होता है, होता है नहीं होता है, फिर बच्चा पैदा होता है, अरे होता है नहीं होता है, ये सारी चीज़ें अपने बाद में पढ़ रखी, पहले ये सब बकवास हुआ करता था। फिर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, वोलर भाई साहब, क्या नाम था उनका, वोलर, इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया, और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको लैब में बना के बताया, ना सिर्फ रिजेक्ट किया बल्कि एक्सपेरिमेंटली बना के बताया। जब बता रहे थे तो उस समय इनका भी बहुत विरोध हो रहा था, वोलर भाई साहब कुछ ऐसे दिखते थे, ठीक है, हैं क्या कह रहे हो, हैं दोनों बहुत अलग है,
दोनों की थेरीज भी अलग है, दोनों के सोच भी अलग है कि नहीं। इन्होंने बोला फर्स्ट आर्टिफिशियल सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया इन्होंने आर्टिफिशियली बाय अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट की हेल्प से इन्होंने क्या बनाया, यूरिया बनाया। ठीक है, पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पहली बार बनाया गया, उसका नाम क्या था बेटा, यूरिया। ठीक है, यूरिया बनाया अमोनियम साइनेट से। और इन्होंने फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन दी। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या दी इन्होंने, कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हाइड्रोकार्बन या उनके डेरिवेटिव वो होंगे क्या बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोलो बात समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, उन्हीं को ही क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिले हुए कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल CH4, इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, मीथेन है। क्या नाम है इसका, मीथेन। अब मीथेन में से मैं करता हूं एक हाइड्रोजन को रिमूव और यहां पर लगा देता हूं एक Cl को, तो क्या बन गया, क्लोरोमीथेन बन गया। क्या बन गया बेटा, CH3Cl। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये उसका डेरिवेटिव। और देखो भाई साहब, ये हो गया बेंजीन। ठीक है, क्या नाम है, बेंजीन। इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन निकाला और NO2 को फिक्स कर दिया, क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव को बोले। समझ में आ रही बात। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सब किसके डेरिवेटिव्स हैं, हाइड्रोकार्बन। इसलिए सबसे पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर आप जो कंपाउंड्स की स्टडी करते हो पहले किन की करते हो, हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रही बात। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को ही क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, फॉर्मूला टू प्रेजेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, हैशटैग टू हम लोग देखने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के फॉर्मूले कौन से होते हैं। सेकंड का ए पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका, वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा होता है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कौन सा, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, CSF। तीसरा होता है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना, इसमें एक्सपेंड करके लिखते हैं डिटेल में। और चौथा होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूँ मेथेन प्रोपेन का, तो ये होता है C3H8। बोलिए यही होता है। ठीक है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें कंपाउंड की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3CH2CH3। ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, मतलब आप डिटेल में लिखने जा रहे थे लेकिन थोड़ा कंजूसी कर दिया गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में सारे बॉन्ड ओपन करके हम दिखा देंगे, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, समझ में आ रही बात, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये क्या रहा, हाइड्रोजन। ये हमारा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन नोटेशन मोस्ट यूज्ड और मोस्ट सुटेबल होता है, मोस्ट यूज्ड सबसे ज्यादा यही यूज होता है और सुटेबल भी यही होता है। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसा दिखाते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, तीन कार्बन है जो कॉर्नर होते हैं, नमक स्वादानुसार और हाइड्रोजन औकातानुसार लगा देते हैं वैलेंसी के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ कॉर्नर्स पे मैं कार्बन मान लूंगा, तो इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, तीन, क्योंकि एक बॉन्ड बना रहा है। इस कार्बन के पास दो, क्योंकि दो बॉन्ड बना रहा है। इस कार्बन के पास तीन, समझ में आ रही बात। तो ये हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन हुआ। सबसे पहला कौन सा हुआ, हाँ बोल बोल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। हाँ, नींद भगा नहीं, अब आएगा भी नहीं, नींद आ भी नहीं सकता है। पहला कौन सा होगा, मॉलिक्यूलर, दूसरा कौन सा, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तीसरा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, चौथा। आपके लिए होमवर्क है, आप बेंजीन है, आज शुरुआती दौर है, एकदम बेसिक से हम लोग कर रहे हैं, बेसिक से पढ़ाओ ना एकदम जीरो से, कि ये मान के चलो कि आपने ऑर्गेनिक पढ़ रखा है और
थोड़ा फोन बोला देवांगन जी तू कैसे बोल सकता है, कुछ नहीं पढ़ा है, तेरा टांग तोड़ दूंगा दोनों। हाँ ऐसे बोलना ठीक है। पहला कौन सा बेटा? बेंजीन। बेंजीन के लिए आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा बताओ? C6H6। अच्छा ये होमवर्क देने वाला था क्या? कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? CH2 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, CH2 और ये सिंगल बॉन्ड। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा होगा? CH2 थोड़ी होगा। हाँ ना डिंपल, हाइड्रोजन ज्यादा हो गया, बोल तो रहा हूँ मैं भी। हाँ होता है ना यार थोड़ा सा। ठीक है चलो, तो एक एक क्या, वाह एकदम से भड़क गई थी एकदम है ना। हाँ ठीक है, और इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे बनेगा? ठीक है समझ में आया सभी को? छापो, नहीं यहां से थोड़ी स्टार्ट करोगे, यहां तक समझ में आया सभी को? कोई टफ चीज तो आगे बढ़ने तो दो। ये किया तो गलत किया, चीजें आने वाली। ठीक है हम वो कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा होता है ना। हाय क्या 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 पटर पटर करी जल्दी बता। सर उसमें ये भी देखा जाता है ना कि फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा आने चाहिए। हाँ और ठीक करेंगे बात, लिखो। ये हाँ ये लिखना है ना, वाह ये साइंटिस्ट लोग को नहीं मनाना है बस है ना। राम है तो रावण भी जरूर होगा, और अगर बैटमैन है तो जोकर भी जरूर होगा। आधे लोग नहीं समझे क्या बता। Why so serious? देखे हो कि नहीं है? तो कोई भी हाइड्रोकार्बन होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। वेलकम। बॉन्ड लाइन नोटेशन में हाइड्रोजन हटा दे, कार्बन हटा दे, वही बॉन्ड। ये देख तीन कार्बन है, एक दो तीन। हाँ और कौन सा तीन? तीन ही कार्बन है तो तीन से छह। अरे नमक स्वादानुसार हाइड्रोजन वैलेंसी अनुसार लगाना है। जैसे ये कार्बन यहाँ मैं मान रहा हूँ, कितने बॉन्ड बना रहा है? तो कितना हाइड्रोजन होगा इसके पास? दो। कैसे होगा? तीन होगा ना, कार्बन की वैलेंसी चार होती है ना डिंपल। हाँ यहाँ कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? एक बॉन्ड कहाँ बना रहा है? दो बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, ये दे यहाँ। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा था। नहीं नहीं वहां से सोचना ही नहीं, इधर का सोच रहा है। यहाँ कितना बॉन्ड बना रहा है? दो। तो कितना हाइड्रोजन जोड़ेगा? अब तीन। दो रहने से तीन जोड़ देगा, हाथ रे छह जोड़ेगा, हाथ रे निपोर। वही तो समझा रहा हूँ, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? चार होती है। तो दो वैलेंसी बना दिया बॉन्ड बना के, बचा कितना? तो कितना बॉन्ड बना के हाइड्रोजन जोड़ेगा? दो। तो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे यहाँ? दो। इस कार्बन को देख, एक बॉन्ड बना रहा है। हाँ तो कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा? तीन। हाँ वाह है नहीं, वाह थोड़ा पूरा आया है जानबूझ के, साक का कीड़ा उसके दिमाग में घुस गया है, पूरा आ गया है, आया ना। हाँ झूठी। चलो आगे बात करें, चलो कोई बात नहीं। देखो तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ठीक है। तो सबसे पहले डिंपल ध्यान देना, यहाँ थोड़ा टफ चीज है। हाँ अगर कार्बन अपने अगल बगल में सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकता है,
कार्बन अपने अगल बगल में डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन अपने अगल बगल में ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, या तू मेरे अगल बगल है क्या डबल बॉन्ड, इस कार्बन के दोनों साइड क्या हो डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? तीन केस है। पहला केस में कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो sp2, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो sp, और अगल बगल में डबल बॉन्ड दो है तो भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp। बोलो समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? लिखो हाइब्रिडाइजेशन। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है तो लोन पेयर को किस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां लिखता हूं, क्या लिखूं, CH3 CH2 CH2 माइनस, क्लियर है? ठीक है, लिखो मत, इधर ध्यान दो, लिखने की हड़बड़ी मत करो, है ना। मैं जानबूझ के इतना स्पीड रख रहा हूँ ताकि घर जाके आप पूरा लिखे और पूरा रिवीजन हो सके। दूसरा मैं लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ हो जाएगा CH2 पे माइनस। अब प्यारे बच्चों गौर से देखना, यहाँ का जो लोन पेयर है नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज यानी लोन पेयर, ये कोई रेजो नहीं कर रहा, यहाँ पर नो रेजो, कोई रेजो नहीं है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिग्मा कितने होंगे डिम्पल? दो कैसे होंगे, दो और एक तीन होगा ना, दो तो हाइड्रोजन के साथ, और अरे लोन पेयर को काउंट, रुक जाना दो मिनट, हाइड्रोजन के साथ दो सिग्मा और एक ये सिग्मा बॉन्ड भी तो है, तो सिग्मा बॉन्ड कितने, तीन। और लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इसलिए लोन पेयर है फ्री, 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 समझी? तो यहाँ पर लोन पेयर क्या है, अवेलेबल है, तो लोन पेयर कितने हो गए, एक, तो तीन और एक चार, हाइब्रिडाइजेशन क्या काउंट करूंगा sp3। रेजोनेंस वाला केस में अभी यहाँ आपको बता जरूर रहा हूँ, लेकिन इसका यूज आता है जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या रेजोनेंस, ठीक है। माइनस जब सत बोल रहे रेजोनेंस अभी आ जाएगा जल्दी, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जा करके यहाँ रेजो करेगा, डबल सिंगल माइनस कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, बोलो है? तो यहाँ पर क्या होने वाला है, रेजोनेंस होने वाला है, तो इस लोन पेयर को तब काउंट नहीं करूँगा, यहाँ पर रेजो अवेलेबल है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा, सिग्मा कितने होंगे डिम्पल, दो और एक तीन, लोन पेयर एक था, लोन पेयर में रेजोनेंस में बिजी हो गया, कितना काउंट होगा, जीरो। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये बस मेमोरी के लिए है, आगे इसका एप्लीकेशन सिखाया जाएगा रेजोनेंस में, क्लियर हुआ? छापो, हो गया बच्चों, आगे बढ़ो। चलिए अब जरा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे डिम्पल, नहीं नहीं पूछूंगा ना, कैसे नहीं पूछूंगा यार, तो पूछना ही पड़ेगा, नहीं पूछेंगे सीखेगी कैसे, ठीक है, कोई डर नहीं, आसपास कोई भी नहीं, तू क्या है, आत्मा, इंसान नहीं आत्मा है, और आत्मा हमेशा अकेले होता है, उसे बाकी आत्माओं की चिंता नहीं होती है, पार ये मेरा मामा है, वो मेरा भांचा है, ये तो मेरे गुरु है ना, इनसे मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, इस विडंबना में तो समय ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है, काम करना पड़ेगा, तो ये चिंता छोड़ दे कि आसपास कौन बैठे हैं, मेरे से मत पूछा करो, मैं गलत बोल दूंगी, सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम रजा अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुचः। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना है एकदम यहाँ पर, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं वो बताना है, उसके बाद क्या बताना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, फिर बता रहे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन sp2 कार्बन एंड sp2 कार्बन, दो sp2 कार्बन के बीच में कितने सिग्मा है वो बताना है। आंख बंद होने से सर परमानेंट क्या कर देते हैं, लेटा देते हैं, ठीक है, हाँ चलो, यहाँ पर एक कार्बन है, क्या है, कार्बन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ कार्बन दिख रहा है सभी को, मतलब लिखे नहीं है पर दिख रहा है, ठीक है, बोल वो रहे हैं पर देख कार्बन रहे हैं, बोलो बात क्लियर है, हाँ, तो यहाँ पर जो कार्बन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, क्योंकि इस कार्बन के बगल में डबल बॉन्ड, ये भी क्या होगा sp2, बोलो होगा, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक सिग्मा और एक पाई है, कितने सिग्मा है, एक, बोलो है ना, हाँ, और ये सोचा तो गलत सोचा, हाओ लल्ली, ये देख, ये एक्चुअली ऐसा है CH2, अगर मैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊँ,
यहाँ तो कंडेंस बॉन्डलाइन नोटेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो मन में सोचने की ट्रेनिंग मैं देना चाह रहा हूँ आपको। 1, 2, 3, 4, 5 कितने सिग्मा है? 5 सिग्मा है। कितने सिग्मा? 5 सिग्मा। पाई कितना है? 1। अच्छा sp2 के बीच सिग्मा कितना है? 1। बोलो आसान है? आसान है। कर लोगे? यस सर। बना डालो। ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन डिंपल नहीं, क्यों? तो sp3 कार्बन के बगल में डबल बॉन्ड है तो क्या होता है? sp2। ये कार्बन का 2। ये कार्बन के, ध्यान दे, ये कार्बन के बगल में क्या है? डबल बॉन्ड। तो इसका भी क्या होगा? ये कार्बन के बगल में क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन के बगल में क्या है? बोलो होगा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं। यहाँ कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है यानी हाइड्रोजन कितने? 2। यहाँ पर 2 बॉन्ड बना रहा है यानी हाइड्रोजन कितने? 1। नहीं, 1, 2, 3 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन कितना? 1। 3 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन? 1। 2 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन? 2। तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2, 2, 4, 5, 6। 6 तो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा है और बॉन्ड में कितने सिग्मा है? 1, 2, 3, ठीक है। तो बॉन्ड में कितने? 3 सिग्मा और 6 हाइड्रोजन के साथ। 2, 2, 4 और 2, 6, 7, 8, 9 कितने सिग्मा हो गए? 9। सिग्मा काउंट करना सीख गए क्या? कोई टफ चीज तो नहीं है ना? ना तो स्ट्रक्चर बना लो, अगर कंफ्यूजन है तो स्ट्रक्चर बना लो। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, HCH, फिर डबल बॉन्ड, फिर C, फिर H, फिर C, फिर H, फिर डबल बॉन्ड C, फिर H, फिर H। गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने सिग्मा हो गए? 9। पाई कितने हो गए? 2, 1 और 1, 2। sp2 कार्बन के बीच सिग्मा कितने? 3। ये sp2 1, 2, 3। आया नहीं है समझ में? एकदम इजी है कि नहीं? बना डालो। हाँ, आगे बढ़ू। ये कार्बन क्या होगा बताओ? sp2। ये कार्बन हितेश? sp2। ये कार्बन? sp2। ये कार्बन? sp2। ये कार्बन? sp3। ये कार्बन? sp3। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कार्बन 1, 2, 3 बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोजन होगा 1। 3 बना रहा है हाइड्रोजन 1। 3 बना रहा है हाइड्रोजन 1। 3 बना रहा है हाइड्रोजन 1। यहाँ 2 बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेंगे। यहाँ पर भी कितने? 2 हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमारे पास में सिग्मा काउंट करो कितने हो रहे हैं। सबसे पहले देखो रिंग में कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। अच्छा, बाहर में इस कार्बन में 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ 2 काउंट हो गए, 11, 12, 13, 14 कितने सिग्मा है? 14। पाई कितने होंगे? 2। sp2 के बीच में सिग्मा कितने? 1, 6 नहीं है, देखो sp2 के बीच में 1, sp2 के बीच में 1, sp2 के बीच में 1। sp2 sp3 नहीं गिनेंगे, sp3 नहीं गिनेंगे, sp3 sp2 नहीं गिनेंगे। हमसे पूछा गया है sp2 के बीच में कितने, sp2 sp3 के बीच में पूछता तो 1 और 1, 2, ठीक है। sp2 के बीच में 1, 2, 3 कितने हैं सिग्मा? 3। ऐसे ही बस जानकारी था तो बता दिया तुम्हें, ठीक है। चलो sp2 क्लियर, sp2 क्लियर, sp2 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 इसमें तो किसी को कोई सवाल संदेह नहीं है ना? डिंपल, हाँ भाई एकदम सही बात है, ठीक है। 6 रिंग में सिग्मा है, हाँ। और हर कार्बन कितने हाइड्रोजन रखा होगा? 1। और यानी कि हाइड्रोजन के साथ 1 सिग्मा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिग्मा और 6 रिंग में कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12 सिग्मा। पाई कितने हैं? sp2 के बीच में सिग्मा कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है ना? हाँ, चलो इधर ध्यान दो। अगला वाला देखो,
अगले क्वेश्चन में स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा ओपन करके बना देता हूँ आपको, ठीक है। ये तो रिंग बना है बेंजीन का, क्लियर है। हाइड्रोजन हटाया गया है और यहाँ लगाया गया है CH3, क्लियर है। सिग्मा गिनो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले बाहर वाले रिंग में गिन दिए 6, ठीक है। फिर अंदर में गिनो, हाँ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, क्लियर है। 12 ये हो गए, और हर कार्बन तीन तीन हाइड्रोजन को जोड़ रहा है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, कितने हो गए, 30 सिग्मा हो गए। कितने सिग्मा हो गए, 30। पाई बॉन्ड कितने होंगे, 3। अच्छा, सबका हाइब्रिडाइजेशन जरा निकाल लेता हूँ। इस कार्बन का होगा sp3 और sp3। नंबर ऑफ sp3 कार्बन्स कितने हैं, 6। कितने हैं, 6। नंबर ऑफ sp2 कार्बन कितने होंगे, ये कार्बन है ना डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये क्या होगा, sp2। ये भी क्या होगा, sp2। ये भी क्या होगा, sp2। ये कार्बन भी क्या होगा, sp2। ये कार्बन भी क्या होगा, sp2। ये कार्बन भी क्या होगा, sp2। समझ में आ रही बात, तो sp2 कार्बन, नंबर ऑफ sp2 कार्बन कितने हैं, 6। नंबर ऑफ sp2 कार्बन कितने हैं, 6। तो 6 sp2 कार्बन है, तो इन sp2 के बीच में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बताओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत। तो नंबर ऑफ sp2 का sp2 सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 6, ठीक है। बस आगे बात करते हैं, ये कार्बन होगा sp3, ये कार्बन होगा sp, ये कार्बन होगा sp, ये कार्बन होगा sp3, ठीक है। कितने सिग्मा हैं बताओ, रोते नहीं, 3 सिग्मा तो दिख रहे हैं, है ना, नहीं। यहाँ पर sp3 कार्बन जो होगा वो 3 हाइड्रोजन जोड़ा होगा, तो 3 और 3, 6, तो यही हो गए। यहाँ जो कार्बन है 1, 2, 3 और 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी वहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। 3 और 3, 6, 7, 8, 9, कितने सिग्मा हो गए, 9। पाई कितने हो गए, 2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही जब नहीं है, तो sp2 कार्बन कितने होंगे, 0। ये समझ में आया ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ठीक है ना, क्लियर है। तो आपको कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए आप सीधा उसको ओपन कर लेना, अगर कंफ्यूजन है तो। sp3 है, ये sp है, ये sp है, ये sp3 है। सिग्मा और पाई आपको आसानी से दिख जाएगा, छापो है, लिख लिए, बना डाले यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिग्री ऑफ कार्बन। क्या देखने जा रहे हैं, डिग्री ऑफ कार्बन, #4 हम लोग देखने जा रहे हैं, कार्बन की डिग्री क्या होगी, ठीक है। तो बच्ची बात को समझना, सीधे बैठो, ठीक है। सबसे पहले तो होता है प्राइमरी कार्बन, क्या होता है, प्राइमरी कार्बन। दूसरा होता है, अच्छा प्राइमरी कार्बन की डेफिनेशन क्या है, द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ओनली वन कार्बन। ऐसा कोई कार्बन जो डायरेक्टली किससे जुड़ा हो, किसी एक कार्बन से जुड़ा हो, वो क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन। द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ओनली टू अदर कार्बन। ऐसा कोई कार्बन जो दूसरे दो कार्बन से जुड़ा हो, उसके अगल बगल में कितने कार्बन है, दो, सुना नहीं। टर्शियरी कार्बन ऐसा होता है जिसके अगल बगल में 3 कार्बन है, और क्वार्टरनरी कार्बन क्या होता है, जिसके अगल बगल में कितने हो, 4 कार्बन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्वार्टरनरी कार्बन, ठीक है, लिख लो। अच्छा जो CH4 है ना, CH4, इसके आसपास तो कोई कार्बन ही नहीं है, तो क्या हम इसे कुछ बोल सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी किस में आ गई, हाँ, इसको सुपर प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुपर प्राइमरी कार्बन।
देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन देखने जा रहे हैं हम लोग, क्या देखने जा रहे हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो हाइड्रोजन की डिग्री कैसे डिसाइड की जाती है, तो देखो सबसे पहले होगा प्राइमरी हाइड्रोजन, कौन सा होगा, प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है, अटैच्ड विद, अटैच्ड विद प्राइमरी कार्बन, जो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होता है वो प्राइमरी हाइड्रोजन होगा। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन, तीसरा टर्शियरी हाइड्रोजन, और क्वार्टरनरी हाइड्रोजन क्यों एग्जिस्ट नहीं करता बताओ, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, चार होती है। अब चार वैलेंसी है तो उसने चार बॉन्ड बना लिया, क्वार्टरनरी कार्बन है, हाइड्रोजन कैसे जोड़ सकता है। ठीक है, अटैच्ड विद, ये किससे अटैच होता है, अटैच्ड विद सेकेंडरी कार्बन, ये किससे अटैच होता है, टर्शियरी कार्बन, और ये नॉट एग्जिस्ट, क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, वैलेंसी ऑफ कार्बन फोर होती है, कितनी होती है, फोर। जैसे अगर ये क्वार्टरनरी कार्बन है, ये अपने अगल बगल में क्या कर रहा है बेटा, चार कार्बन जोड़ रहा है, तो अपने अगल बगल में ये फोर डिग्री कार्बन है, तो फोर डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ रही बात, लिख लो। चलिए अब ये देखो कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ठीक है, आपको वन डिग्री कार्बन, टू डिग्री कार्बन, थ्री डिग्री, फोर डिग्री बताने हैं, वन डिग्री हाइड्रोजन, टू डिग्री हाइड्रोजन, थ्री डिग्री हाइड्रोजन बताने हैं, फोर डिग्री हाइड्रोजन तो नहीं होता। समझना, वन डिग्री कार्बन अगर है, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा होगा, वन डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने होंगे, तीन होंगे, टू डिग्री के पास दो, थ्री डिग्री के पास वन, ये चीज समझ में आ, तो वन डिग्री कार्बन जितना होगा उसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं थ्री का, तो वन डिग्री हाइड्रोजन मुझे मिल जाएगा, समझ में आ रही बात। अगर मुझे वन डिग्री हाइड्रोजन चाहिए, तो वन डिग्री कार्बन इंटू क्या करूंगा, थ्री, ठीक है, टू डिग्री हाइड्रोजन अगर मुझे चाहिए, तो टू डिग्री कार्बन इंटू टू, और थ्री डिग्री हाइड्रोजन अगर मुझे चाहिए, तो ये थ्री डिग्री कार्बन इंटू वन, या थ्री डिग्री कार्बन के बराबर होगा, समझ में आ रही बात, ये हमारा जुगाड़ है, बोलो समझ में आ रहा है। ठीक, तो बताओ ये कार्बन की डिग्री क्या है, ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है वन डिग्री, ये कार्बन एक ही कार्बन से वन डिग्री, ये कार्बन वन डिग्री, लेकिन ये जो सेंटर वाला कार्बन है तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी थ्री डिग्री, तो वन डिग्री कार्बन यहाँ कितने हैं, टू डिग्री कार्बन कितने हैं, थ्री डिग्री कार्बन कितने हैं, फोर डिग्री कार्बन, वन डिग्री हाइड्रोजन इंटू थ्री, नाइन, नौ, हाँ, टू डिग्री जीरो, थ्री डिग्री फोर डिग्री तो होता ही नहीं। ठीक है, अगर कोई फोर डिग्री हाइड्रोजन बोल दे तो वो गलत है, ठीक है, फोर डिग्री हाइड्रोजन तो होता ही नहीं। ये देखो ये कार्बन कौन सा होगा, ये 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 ये, अच्छा ये कार्बन आसपास देखो एक दो तीन चार से अटैच है, फोर डिग्री, ये कार्बन एक दो तीन चार, फोर डिग्री है, समझ में आया, क्लियर हो रहा है ये, ठीक है, तो वन डिग्री कार्बन कितने हो गए, एक दो तीन तीन छः, टू डिग्री जीरो, थ्री डिग्री जीरो, फोर डिग्री टू, वन डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, टू डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, थ्री डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, नहीं आया समझ में, बाकी बना सकते हो क्या तुम, बनाओगे, बना डालो। अच्छा ये कार्बन क्या होगा बताओ,
वन डिग्री, ये वन डिग्री, ये ये, अच्छा ये कार्बन दो कार्बन से अटैच है तो ये होगा टू डिग्री, टू डिग्री, टू डिग्री, टू डिग्री, अच्छा ये सेंटर वाला फोर डिग्री, तो वन डिग्री कार्बन कितने हैं चार, टू डिग्री कितने चार, एक दो तीन चार, थ्री डिग्री जीरो, फोर डिग्री वन, तो वन डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, टू डिग्री हाइड्रोजन और थ्री डिग्री हाइड्रोजन, ये क्या होगा वन डिग्री, वन डिग्री, वन डिग्री, वन डिग्री, ये कार्बन तीन कार्बन से अटैच है तो थ्री डिग्री, ये थ्री डिग्री, वन डिग्री कार्बन कितने हो गए चार, टू डिग्री जीरो, थ्री डिग्री तो फोर डिग्री कितने जीरो, तो हमारे पास वन डिग्री कार्बन कितना होगा चार तिया बारह, वन डिग्री टू डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा जीरो, थ्री डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा दो, इधर तकलीफ होता है, ये क्या होगा वन डिग्री, ये वन डिग्री, ये थ्री डिग्री, शाबाश, ये कौन सा होगा हाँ थ्री डिग्री, ये 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 ये, ठीक है वन डिग्री कार्बन कितने एक दो तीन चार पाँच, टू डिग्री थ्री डिग्री फोर डिग्री वन डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे पाँच थी अब पंद्रह फिफ्टीन, ठीक है टू डिग्री थ्री डिग्री, क्लियर है समझ में आया, ये वाला कार्बन होगा वन डिग्री, ये भी वन डिग्री, ये भी वन डिग्री, ये भी वन डिग्री, वन डिग्री वन डिग्री, वन डिग्री कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच छः, टू डिग्री है थ्री डिग्री है, अच्छा ये कार्बन चार, ये होगा कॉर्नर वाला फोर डिग्री, फोर डिग्री, फोर डिग्री, ठीक है फोर डिग्री वाले कितने तीन, तो ये कितना होगा वन डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा टू डिग्री थ्री डिग्री, आसान है कि नहीं yes, कोई दिक्कत नहीं। अब तो कर लोगे कैसा भी क्वेश्चन रहे ठीक है, चलो अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है अब ये सब क्या होता है लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन हेलो एरिन वहाँ डिग्री पढ़ा रहे हैं, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड में थोड़ी देर के लिए डर लग गया था ना एकदम, सच बता हाँ, इधर देखो डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड को वहाँ पढ़ाते हैं हेलो एल्केन हेलो एरिन में, हाइड्रोकार्बन की डिग्री तो मैंने अभी पहले आपको बता दिया, फिर अल्कोहल की डिग्री आती है, अमाइंस की डिग्री आती है, तो वो अलग अलग जगह करने की जरूरत नहीं, डिग्री से रिलेटेड बातें पूरा एक जगह देखना। डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड क्या है, डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड इज डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच हेलोजन एटम इज प्रेजेंट, मतलब हेलोजन जिससे जुड़ा हुआ है साहब उस कार्बन को आपको देखना है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री देखना है, पड़ोसी के पड़ोसी को मत देखना, किसको देखना पड़ोसी, समझा, इस कार्बन की जो डिग्री होगी वही किसकी डिग्री होगी एल्किल हैलाइड, हैलोजन की नहीं, हैलोजन की कब से डिग्री होने लगी, डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड लिख लो, समझ में आई बात, एल्किल हैलाइड को आर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, आर एल्किल एक्स हैलाइड, ठीक है अब देखो ये वाले क्वेश्चन को देख लो, Cl जिस कार्बन से अटैच है इस कार्बन की डिग्री क्या है, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है वन डिग्री, तो ये कौन सा एल्किल हैलाइड होगा प्राइमरी एल्किल हैलाइड, कौन सा होगा प्राइमरी एल्किल हैलाइड, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन अगल बगल में दो कार्बन टू डिग्री, तो ये क्या है टू डिग्री एल्किल हैलाइड, समझते हो बात को yes, ठीक है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है तीन से, तो इस कार्बन की डिग्री क्या है थ्री डिग्री, तो ये हो जाएगा क्या थ्री डिग्री एल्किल हैलाइड, समझ में आ रही बात, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन की डिग्री क्या है वन डिग्री, बच्चा गलती करता है लालच में आके देखता है ये कार्बन थ्री डिग्री, अरे इस कार्बन पड़ोसी की पड़ोसी को मत देखो, किसको देखना है पड़ोसी को, हाँ ये थ्री डिग्री नहीं ये क्या है फोर डिग्री, अरे वन डिग्री नहीं ये वाला क्या है एक कार्बन चार कार्बन से जुड़ा है फोर डिग्री कार्बन है, क्या है फोर डिग्री कार्बन,
तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसको देखना है, उसकी डिग्री क्या है साहब? 1 डिग्री। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। समझ में आया? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इसके अगल बगल में 2 कार्बन है, इस कार्बन की डिग्री 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके आसपास कितने कार्बन है? 3। अरे 4 कहां से हो गया? कितना है? 1, 2, 3। तो एल्किल हैलाइड की डिग्री क्या हो जाएगी? 3। बात समझ में आती है ये वाली? छापो कि घर में लिखोगे? ठीक है, लेकिन पीडीएफ नहीं दूंगा। ठीक है, डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या देख रहे हैं? डिग्री ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ एल्कोहल इज डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ कार्बन कंटेनिंग ओएच ग्रुप। बिल्कुल हेलोजन जैसा ही है, जहां ओएच लगा है उसको देखना है। ठीक है, गौर से देखो, ओएच जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन की डिग्री क्या है? 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री 2 डिग्री, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल। हाँ मत देख, 2 डिग्री एल्कोहल। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री क्या है? तो ये क्या है? समझ में आया सभी को? ठीक है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है इसके अगल बगल कितने कार्बन है? 2। तो इसकी डिग्री क्या है? तो ये हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। समझ में आया? OH जिस कार्बन से जुड़ा है इसके अगल बगल कितने कार्बन है? 3। 3 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री, तो ये क्या होगा बताओ? 2 डिग्री एल्कोहल। समझ में आया सभी को? तो एल्किल हैलाइड की डिग्री और एल्कोहल की डिग्री निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिग्री ऑफ अमाइंस, यही इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ अमाइंस। ठीक है, डिग्री ऑफ अमाइंस में सीधी सी बात है, ध्यान रखने वाली बात है, अगर 1 डिग्री अमाइन हो, 2 डिग्री अमाइन हो सकता है, 3 डिग्री अमाइन हो सकता है। 1 डिग्री अमाइन हम उसको बोलते हैं जिसमें NH2 सेगमेंट मिले। क्या मिल जाए? NH2। 2 डिग्री अमाइन उसको बोलते हैं जिसमें NH मिल जाए। क्या मिल जाए? NH। और 3 डिग्री अमाइन वो है जिसमें N मिल जाए। ऐसे मत करना कि NH2 जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री अब अमाइन की डिग्री होगी, यहाँ ऐसा नहीं होगा अमाइन के केस में। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रहा है? अमाइन के केस में ऐसा होगा कि अमाइन में नाइट्रोजन खुद ही डिग्री जनरेट कर सकता है। नाइट्रोजन अगर सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो कौन सा होगा? 1 डिग्री। अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री। अगर नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री। ऐसा सोच सकते हो, लेकिन ज्यादा बेटर क्या है? आप देखिए, NH2 दिख जाए तो 1 डिग्री, NH दिख जाए तो 2 डिग्री, N दिख जाए तो 3 डिग्री। सबसे पहले देखो NH2 दिख रहा है, क्या होगा? बच्चा गलती करेगा, NH2 के साथ जो कार्बन है वो 2 कार्बन जुड़ा है तो 2 डिग्री अमाइन बोल देता है, जबकि ये क्या रहेगा डिंपल? 1 डिग्री अमाइन। नाइट्रोजन के अगल बगल में 3 कार्बन है, डिग्री क्या होगा? 3 डिग्री अमाइन। नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसका डिग्री 2 डिग्री भले हो, पर अमाइन कैसा है? बात समझते हो? नाइट्रोजन के अगल बगल में मतलब NH दिख रहा है तो ये क्या होगा? अच्छा, ये जो कार्बन है 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री कार्बन है, तो अमाइन भी क्या होगा? 3 डिग्री अमाइन। और ये सोचा तो गलत सोचा, 3 कार्बन जुड़ा है तो 3 डिग्री। NH2 दिख जाए तो डिग्री कौन सा होगा? क्लियर है दादा? नाइट्रोजन यहां पर NH दिख रहा है, कौन सा अमाइन होगा? नाइट्रोजन यहां पर किसी कोई हाइड्रोजन नहीं है, N दिख रहा है, क्या होगा? 3 डिग्री अमाइन। तो अमाइन की डिग्री समझ में आई सभी को? अमाइन की डिग्री कैसे निकाली जाती है, समझ में आया सभी को ना? छापो,
अब कल से हम लोग करने वाले हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. क्लियर है? कोई नहीं देगा तुमको सिंपल टिप्स. PCM, everything, now easily on your fingertips. जो भी चाहिए ले लेना.